हाय फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक दैट इज क्लेरिथ्रोमाइसिन, इसके बारे में लर्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हो, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूजफुल वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं। तो दोस्तों, इसी सीरीज में आज जो अपन वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो है क्लेरिथ्रोमाइसिन। दोस्तों, जो क्लेरिथ्रोमाइसिन है ये एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। तो बाकी जो अदर मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक की तरह ये भी जो क्लेरिथ्रोमाइसिन भी बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है बाय बाइंडिंग विद द 50S राइबोसोमल सब यूनिट। और जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा और बैक्टीरिया फाइनली डाई हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, इसकी एक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों, जो माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया, जो अदर एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया हैं, और इवन माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी, लेप्रे जो कि लेप्रोसी करता है, और सम अदर एनारोबिक बैक्टीरिया जो हैं उनके अगेंस्ट इसकी बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। तो दोस्तों, बाकी अदर यूज की बात करें हम तो इट इज एक्टिव अगेंस्ट सेंसिटिव स्ट्रेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई, इवन मोरेक्सेला, लिजियोनेला, माइकोप्लाज्मा निमोनी और इवन एच पाइलोरी। तो दोस्तों, बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है क्लेरिथ्रोमाइसिन। आजकल थोड़ा कम यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको कभी भी कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा खांसी है, ये है वो है, तो न्यूमोनिया लग रहा है लेकिन आपको पता नहीं है, अगर अपन क्लेरिथ्रोमाइसिन देंगे तो अगर उसको एटिपिकल टाइप के बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है तो दोस्तों बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करता है। और हम जो एच पाइलोरी के इराडिकेशन में भी क्लेरिथ्रोमाइसिन को बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। बाकी अदर मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक की तरह क्लेरिथ्रोमाइसिन का भी एब्जॉर्प्शन फूड की वजह से डिले होता है, जो इसकी अच्छी बात है दोस्तों क्लेरिथ्रोमाइसिन की। नो डोज मॉडिफिकेशन इज नीडेड इन केस ऑफ लीवर डिजीज और इन माइल्ड टू मॉडरेट किडनी फेलियर। अगर किसी को थोड़ा बहुत किडनी फेलियर है माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री, और साथ में अगर लीवर डिजीज है, तो इसका डोज रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है अपन, और मतलब कहने का ये है कि क्लेरिथ्रोमाइसिन अपन दे सकते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें दोस्तों, तो जो क्लेरिथ्रोमाइसिन है अपने साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करता है। तो दोस्तों, इसकी वजह से इट इंक्रीजेज द सीरम कंसंट्रेशन ऑफ थियोफाइलिन और ओरल एंटीकोएगुलेंट साइक्लोस्पोरिन और इवन मिथाइल प्रेडनिसोलोन। मतलब अगर हम साथ में थियोफाइलिन, एंटीकोएगुलेंट, ओरल एंटीकोएगुलेंट या साइक्लोस्पोरिन यूज कर रहे हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन के, तो हमको उनका डोज रिड्यूस करके देना चाहिए, नहीं तो ये उनका सीरम कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है और उनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। दूसरा दोस्तों, इसका जो सीरियस ड्रग इंट्रेक्शन है, इफ एडमिनिस्टर्ड विद टर्बेनाफिन, एस्टिमाजोल, सीसाप्राइड, अगर हम इसको साथ में यूज करते हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन के, तो इट कैन कॉज वेंट्रिकुलर एरिदमियाज। तो इसके साथ में नहीं यूज करना है। डोजेज की बात करें दोस्तों, तो 250 मिलीग्राम बीडी ओरली देते हैं, और अगर चिल्ड्रन में देना पड़े तो दोस्तों 7.5 मिलीग्राम पर केजी ट्वाइस डेली या बीडी दोस्तों बच्चों में इसको यूज करते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।